डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास प्लस टू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर थर्ड मैट्रिक्स। अपना पहला क्वेश्चन है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5209, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 360 माइनस 1, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी अपन को एक्स का मान निकालना है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर है एक्स प्लस वाई और नीचे है एक्स माइनस में वाई, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर एक, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर दो, और दोनों को कर लेंगे एडिंग यानी जोड़, दोनों को करेंगे एड यानी एडिंग। जब एडिंग करेंगे ये प्लस का वाई ये माइनस का, आपस में हो जाएंगे कैंसिल, कितने एक्स हो गए, एक रेख दो, तो दो एक्स बराबर। अब किस तरह से जोड़ेंगे, सो फर्स्ट होगा, फर्स्ट एलिमेंट है वो जुड़ेगा फर्स्ट होगा फर्स्ट एलिमेंट से, मतलब ये फाइव है, ये कितना है थ्री, फाइव और थ्री एट। सेकंड कितना है टू, और इसमें सेकंड कितना है सिक्स, सिक्स और टू कितने होगा एट, जीरो 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 ऐड करेंगे जीरो, नाइन प्लस के और वन माइनस का, तो प्लस के एट। अब अपन को x का मान निकालना है, टू मल्टीप्लाई साइड में आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड करेंगे तो किस तरह से आएगा, एट बाई टू, एट बाई टू, जीरो बाई टू और एट बाई टू। जब एट को टू से डिवाइड करेंगे फोर, एट को टू से डिवाइड करेंगे फोर, और जीरो को टू से डिवाइड करेंगे जीरो, एट को टू से करेंगे फोर, यानी अपना जो फाइनल आंसर एक्स का है वो क्या आया, फोर फोर जीरो फोर। अगला क्वेश्चन है कि एक्स इंटू टू थ्री प्लस वाई इंटू माइनस वन वन इक्वल टू टेन फाइव। सबसे पहले क्या करेंगे, टू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू बन जाएगा टू एक्स, थ्री को एक्स से करेंगे थ्री एक्स, उसके बाद वाई को माइनस एक से करेंगे माइनस वाई, प्लस एक से करेंगे प्लस वाई, इक्वल टू टेन और फाइव। देखो उसके बाद क्या करेंगे, टू एक्स प्लस माइनस माइनस के वाई और बराबर कितना है टेन, इक्वेशन नंबर वन। अगली है थ्री एक्स प्लस वाई, थ्री एक्स प्लस वाई, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये माइनस का वाई और ये प्लस का वाई, क्या करेंगे एडिंग, तो वाई से वाई क्या होगा कैंसल, थ्री और टू कितने होंगे फाइव एक्स, इक्वल टू टेन और फाइव कितने होंगे फिफ्टीन, तो एक्स इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन फाइव, फाइव पॉइंट जब फाइव फाइव तो फिफ्टीन, यानी एक्स बराबर कितना आ गया थ्री, यानी एक्स का मान आएगा थ्री। और वाई का मान निकालेंगे तो कोई भी एक इक्वेशन पुट कर दो, हाँ एक्स बराबर आएगा थ्री। अब एक्स का मान समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण एक है टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू टेन, तो टू इंटू एक्स का मान थ्री माइनस वाई अपॉन बराबर टेन, टू को थ्री से करेंगे सिक्स वाई इक्वल टू टेन, माइनस वाई इक्वल टू टेन, सिक्स प्लस साइड में आएगा माइनस का, तो ये होगा फोर, और एक माइनस साइड आएगा तो वाई का मान आएगा माइनस का फोर, यानी एक्स बराबर आया है थ्री अपना और वाई बराबर आए माइनस फोर, ये अपना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थ्री ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू बाई थ्री हैज एलिमेंट्स। देखो सबसे पहले इस मैट्रिक्स में रो की संख्या टू है और कॉलम की संख्या थ्री है, इसलिए अपन को सब इलेमेंट यानी तत्वों की संख्या बतानी है, तो जब भी कोई भी मैट्रिक्स होगी उसमें अपन को यदि रो मिलेगा और कॉलम मिलेगा, जब भी इलेमेंट निकालेंगे तो दोनों के आपस में क्रॉस करेंगे यानी मल्टीप्लाई, जब टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा सिक्स, यानी इस मैट्रिक्स में इलेमेंट की संख्या सिक्स होगी, जैसे टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सिक्स आएगा। नीचे ये क्वेश्चन सेम है,
ए मैट्रिक्स ऑपरेटर 4x2 हैज एलिमेंट्स, इसमें भी हमें एलिमेंट्स की संख्या बतानी है, तत्वों की संख्या बतानी है। तो अपने पास रो 4 है और कॉलम 2 है, जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपना कितने आएगा 8, यानी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या 8 होगी। कोई भी मैट्रिक्स हो, जब भी उसमें एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स संख्या पूछेगा तो रो और कॉलम के आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है इफ 2a + 5b b + 2 और सेकंड रो है 04 = 3604, वैल्यू निकाल लें a एंड b। तो देखो सबसे पहले अपने पास जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हुआ है 2a + 5b, 2a + 5b इक्वल साइड में पहला तत्व है 3, तो इक्वल टू 3। उसके बाद जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है वो है b + 2 और इधर है 6। अब यहां से b का मान निकालेंगे तो प्लस का 2 इस साइड में आएगा माइनस का, तो b का मान जब 6 में से 2 आएगा तो b का मान आएगा 4। अब इस समीकरण में b का मान रख दो तो 2a + 5 × b का मान कितना है 4, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 = 3। तो 2a + जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 = 3, 2a 20 प्लस के साइड में है कि माइनस के, तो 2a = ये बच के माइनस के 17 और 2a साइड में आएगा डिवाइड, तो a का मान आएगा -17/2, यानी हम कह सकते हैं कि a बराबर -17/2 एंड b बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 अपना द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 7 इन द मैट्रिक्स, अपनी मैट्रिक्स में तीन रो हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कॉलम भी तीन है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं वो है अपने 1 2 3, सेकंड के हैं 4 5 6 और थर्ड के हैं 7 8 और 9। अब देखो सबसे पहले कोफैक्टर से पहले अपन को ये पता होना चाहिए जो 7 है वो कौन से रो में और कौन से कॉलम में है। तो अपना 7 ये है, अब ये कौन सा रो है, ये तीसरा रो इन थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कोफैक्टर को ऐसे लिखेंगे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ये आएंगे। अब बाकी के जो एलिमेंट बच गए उनकी क्रॉस करेंगे, अब 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 5 को 3 से करेंगे 15, तो 15। लेकिन जब इस साइड क्रॉस करेंगे तो बीच में साइन आएगा माइनस, तो माइनस के 15 a 31, 12 - 15 तो वे बच गए माइनस के 3। देखो दोबारा से देखो 7 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में आता है, तो ये चार एलिमेंट बचेंगे आपस में क्रॉस करेंगे तो 6 की जब 2 से करेंगे तो 6 की 2 से करेंगे 12, फिर 5 की क्रॉस 3 से करेंगे 15 आएंगे, लेकिन जब इस साइड क्रॉस करेंगे तो बीच में साइन आएगा माइनस, तो प्लस के 12 और माइनस के 15, ये बच गए माइनस के 13। उसके बाद अपन को फैक्टर को साइड करेंगे कि ये इसमें साइन चेंज होगा नहीं होगा, तो 3 और 1 कितने होगा, 3 और 1 होगा 4, यानी जब भी ये इन दोनों का जोड़ इन दोनों का सम कोई इवन नंबर आएगी तो इनका साइन चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 8 इन द मैट्रिक्स, जो फर्स्ट रो है वो अपनी 2 1 3, सेकंड रो है 6 7 8 और थर्ड है 4 9 और 5। सबसे पहले अपन को 8 का पता होना चाहिए कौन से रो में और कौन से कॉलम में, तो 8 ये है भाई, तो ये सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 1 से करेंगे, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, को फैक्टर वे से लिखेंगे सेकंड रो फर्स्ट प्लस सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम।
अब 9 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और 4 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आए, लेकिन बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का, तो 18 माइनस 4 सेकंड और थर्ड कॉलम इक्वल टू ये आ गया अपना 14। अब साइन चेक करेंगे, चेंज होगा नहीं होगा, 2 और 3 कितना होगा 5, और 5 एक ओड नंबर है, तो जब भी रो और कॉलम का ऐड एक ओड नंबर आ जाए तो साइन चेंज होगा, यानी माइनस साइन आएगा, तो ये प्लस का 14 मिलेगा, आएगा माइनस का 14। तो